हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो ये जो वीडियो है, खास तौर पर मैं फिर से एक वीडियो लाया हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में जब भी कोई इंटरनल फॉल्ट्स आता है, असल में एक्चुअल आप उसको कर पा रहे हैं तो आप मिस्त्री या टेक्नीशियन है। बहुत सारा काम, असल सच बताऊँ ना, आप लोग जो काम थोड़ा जानते हैं, रिंग, स्पीकर, माइक, चार्जिंग जैक, डिस्प्ले वगैरह लगा लेते हैं, वो कामयाबी के बिल्कुल करीब खड़े हैं। आई थिंक 15 दिन दूर है, 15 दिन की ट्रेनिंग के दूर है। तो उस 15 दिन में क्या है, उसमें सारा जैसे कि लाइनिंग ब्रेक है, प्रिंट डैमेज है, आपको बनाने नहीं आते, या रिंग स्पीकर माइक लगा दिया अभी भी काम नहीं कर रहा, तो वो लाइनिंग की ब्रेकिंग है। लाइनिंग ओके है तो फिर वो आईसी की ब्रेकिंग है। आईसी में वो कौन से आईसी में जा रहा, वो उसकी उसको फाइंड आउट करना होता है। तो ये सारा जो कोर्स है वो 15 डेज कोर्स है, ओनली पीसीबी कोर्स है। फिर हम पीसीबी ही सिखाएंगे, क्योंकि ये सब नॉर्मल आप जानते हैं, ये नॉर्मल काम है। किसी भी इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं शहर में, कहीं भी सीख लेता बंदा। एक्चुअल तब बात आती है जब वो प्रैक्टिकली वो जो पीसीबी का काम होता है वो हर बंदा नहीं सिखा पाता, इंस्टीट्यूट वाले खुद नहीं जानते। सच बात है ये, दिस इज द ट्रूथ अबाउट द इंस्टीट्यूट। तो वो खुद नहीं जानते, उनको वो जो टेक्नीशियंस होते हैं वो असल में प्रैक्टिकल नहीं होते मोस्टली, या प्रैक्टिकल होते हैं लेकिन वो अपडेट नहीं होते। अपडेट में मतलब एक बंदा कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है लगातार, वो नए फॉल्ट उसके पास आ रहे हैं, वो उनको ढूंढ रहा है, रिपेयर कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, मतलब वो 90-80% काम कर रहा है, 20% लौटा रहा है वो भी, ठीक है ना। और जो टीचर होता है जो पढ़ा रहा है, वो खाली पढ़ा रहा है, उसको रिसर्च एंड एनालाइज करने की कोई ज़्यादा वो नहीं होती। तो एक टेक्नीशियन और एक जो प्रैक्टिकल बंदा होता है, तो एक टीचर और एक टेक्निकल जो बंदा होता है काम कर रहा है वो, तो उसकी बात अलग होती है, वो एकदम फ्रेश होता है। तो उसमें जो पॉइंट्स है वो सारे हम उसमें यही बताते हैं कि भाई पावर का प्रॉब्लम कब है, आईसी का प्रॉब्लम कब है। एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए पावर की प्रॉब्लम कब है, आईसी मतलब किस आईसी से प्रॉब्लम है, फिर उसको आपको रिमूव करना आना चाहिए, यानी कि उसको चेंज करना आना चाहिए, उसको रिवॉल्व करना आना चाहिए। रिवॉल्व भी आता है बहुत से लोगों से, लेकिन वो उसको नहीं कर पाते, मुझे मालूम है। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो 10-10 साल से, 5-5 साल से काम कर रहे हैं, उनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, करते हैं वो। तो उसमें मतलब ऐसा जो काम है ना, वो सारा इसी के अंदर कोर्स में, ठीक है। तो ज़्यादा दूर आप, ज़्यादा मैं आपसे नहीं कहूँगा, सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसमें पीसीबी है, एडवांस लेवल है, प्लस सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर नहीं आता आधे लोगों से, सॉफ्टवेयर का काम को वो समझते ही नहीं कुछ है, जबकि 50% काम सॉफ्टवेयर का। आप हार्डवेयर के सुपर मास्टर हैं लेकिन आपसे सॉफ्टवेयर नहीं आता, मेरी नज़र में आप आधे मिस्त्री हैं। आप तो पावर ही बदलते हैं, सीपीयू बदलते हैं, चार्जिंग पीएमआईसी भी चेंज करते हैं, चार्जिंग आईसी भी चेंज करते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं आता, आपको मालूम नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये हार्डवेयर का मिस्त्री होना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, सॉफ्टवेयर से ज़्यादा भारी हार्डवेयर का काम है। लेकिन ऐसा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं कितनी भारी हो, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा भी होता है, टायर इतना बड़ा होता है लेकिन उसकी एक वाल्व बॉडी इसको पूरे टायर को रोकती है। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा काम है, और चिप लेवल एक ऐसा काम है जो एक टायर है पूरी गाड़ी को रन करता है, ठीक है। तो उसमें सॉफ्टवेयर के कोर्स है सारे, MRT, UMT, CM2, UFI, AMMC प्रोग्रामिंग है। AMMC प्रोग्रामिंग मतलब इसको हम IC को ही प्रोग्राम कर देते हैं, सर्विस सेंटर भी उन सेटों को नहीं करते, ठीक है ना। तो वो आप करेंगे, आप आइए 1-day trial class के लिए, ताकि आप मेरी बातों में जो सच है या झूठ है वो सब पता लगा सकें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।